प्रकार आज देख रहे हैं सरस्वती पूजा का आज विसर्जन का दिन। बीजीपीटी क्लासेस के तमाम छात्राएं, तमाम लोग, तमाम छात्र, सभी लोग नम आंखों से शंखनाद करते हुए अगरबत्ती जलाते हुए माँ को विदाई दे रहे हैं। कहने के ज्ञान की देवी का आज विसर्जन। क्यों तो माँ का सम्मान हर एक लोग करता है, लेकिन जिस तरह से तमाम बीजीपीटी की क्लासेस के बच्चे और साथी तथा संचालक आज शंखनाद करते हुए, अगरबत्ती जलाते हुए, घंटा बजाते हुए माँ को विदाई दे रहे हैं, अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम। वैसे भी आप जानते हैं बीजीपीटी क्लासेस के जो संचालक है ना सिर्फ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बल्कि एक तरह से संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे साथ संचालक भी जुड़ेंगे, कुछ छात्राएं भी जुड़ेंगी। मैं जानना चाहूंगा कैसा महसूस कर रही है, बने रही हमारे साथ। भारतीय संस्कार के एक तरह से प्रभावित कर रहे हैं आप लोग तमाम बच्चों में, क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं बीजीपीटी का शिक्षक हूँ। हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे अपनी संस्कृति को बनाए रखें, और उसके लिए हमें उन्हें अच्छी संस्कार और शिक्षा देने की ज़रूरत है। वो एक जैसे कच्ची मिट्टी को आप इस तरह आकार देंगे वो उसी का रूप ले लेता है, उसी तरह बच्चे अभी कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, आप उसको जैसे आकार देंगे वो उसी रूप में ढलेंगे। समाज में क्या होता है, लोग बोलते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, वो इस तरह के गाना बजाना चाहते हैं, लेकिन अगर उसको आप सही शिक्षा देंगे, प्रेरित करेंगे, तो जरूर एक बार वो सोचते हैं, लेकिन क्या है कि समाज में वो जो देखते हैं वही करना चाहते हैं। तो हम समाज से यही आग्रह करेंगे कि आप एक अच्छा बच्चे को संस्कार दें, और जब तक आप नहीं बदलेंगे और आप सोचेंगे कि बच्चे बदल जाएं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बड़ों से सीखते हैं और बच्चों से बड़ों से ही संस्कार ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम समाज के लोगों से ये कहेंगे कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान या आपका जब पूजा होता है उसमें गलत गालियाँ मतलब प्रेरित कहीं ना कहीं अश्लील गाने बजाए जाते हैं नहीं बजा करके भक्ति से प्रेरित सॉन्ग बजाएं, ताकि अच्छा माहौल हो और माँ को भी लगे कि हम आए हैं तो अच्छे से विदाई दिया जा रहा है, अच्छे से पूजा पाठ किया जा रहा है। ये नहीं से क्या नाम है आपका, पूरा परिचय है? विक्रम कुमार भारती, बीजीपीटी के केमिस्ट्री के शिक्षक हुए। आज हम लोग प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे हैं सरस्वती माँ का। एक सांस्कृतिक रीति रिवाज के तहत हम प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे हैं। बहुत सारी बच्चे, बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे माताएँगण यहाँ उपस्थित हैं। हम सभी श्रोतागण को यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार माता को बिठाया जाता है आदर सम्मान के साथ, कृपया उसी प्रकार आदर सम्मान के साथ विदाई भी किया जाए, ताकि हमारी माता जी को गिल्टी ना फील हो और एक सांस्कृतिक कहने के शंखनाद करते हुए अपने विसर्जन का प्रोग्राम बनाया, घंटा बजाते हुए, अगरबत्तियां जलाते हुए, कहने के संस्कार प्रवाहित कर रहे हैं अपने बच्चों में। ये हमारी संस्था हमेशा ये तत्पर रहती है कि विद्यार्थियों को एक सही संस्कार, एक सही शिक्षा दिए जाए, क्योंकि हमारी संस्कार से ही हमारी संस्कृति है। अगर हमें संस्कृति बचाना है तो बच्चों के अंदर संस्कार देना ही पड़ेगा। संस्कार को बीजीपीटी क्लास के तमाम जो संचालक हैं जिंदा रखे हुए हैं, क्या कहेंगे सुरेश? देखिए, लोग मूर्ति बैठाते हैं और विभिन्न जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि भद्दी भद्दी गालियाँ जो हम अपने माँ बहन के सामने नहीं बजा सकते, वैसे गाना बजा करके लोग विसर्जन में ले जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजीपीटी संस्थान के द्वारा झाझा में एक मिसाल पेश करने का कार्य किया जा रहा है, और शंखनाद करते हुए, भक्ति गाना बजाते हुए और घंटी का ऐसा धुन सुनाते हुए पूरे झाझा नगर भ्रमण करते करते विसर्जन करने के लिए हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक मिसाल है, और झाझा वासियों के साथ साथ पूरे देश में ये एक अच्छा संदेश जाता है कि विसर्जन अगर किसी भी भगवान की करते हैं तो इस प्रकार से करना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति भी बची रहे और हम लोग उनका आराधना भी कर सके। कहीं ना कहीं बानी अश्लील गीत बजा कर लोग माँ को विदा करते हैं, क्या कहेंगे आप? अश्लील गाने नहीं बजना चाहिए, किसी अश्लील गाने में बहुत सारी मीनिंग होता है, समझना बहुत ही मुश्किल, समझ लो वो बहुत ही खराब है। कैसा लग रहा है माँ को विदा कर रही हैं? थोड़ा दुख महसूस हो रहा है कि माँ जा रही हैं हमें छोड़कर, पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि माँ जाए और सभी को ढेर सारी विद्या बुद्धि देकर जाए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो चाहती हूँ अगले साल फिर से माँ जल्दी जल्दी आए।
आपका राहुल, जिस तरह से अश्लील गाने बजाते हैं लोग माँ के सामने, मूर्ति के सामने, लेकिन अपनी माँ के सामने लोग अश्लील गाने नहीं बजाते, उन लोगों को क्या संदेश देंगे आप? सर, ये तो वही बोल रहे हैं कि जिस तरह से अपने बहन हैं उसी तरह से समाज में कुरीतियाँ ना फैले, इस तरह से कम से कम अगर तो उत्सव होता है सामाजिक उत्सव, उसमें अच्छे अच्छी तरह से करें, अच्छे गाने बजाएं, उससे पॉजिटिविटी फैले, विचार में रहें, और उसके बाद उसी तरह के नकारात्मक विचार एवं ऊर्जा समाज में ना फैले, इस तरह से हमको काम करना चाहिए। माँ को विदा करते हुए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। जी जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है कि हम लोग इतने तरीके से अपनी माँ को विसर्जित कर रहे हैं, कुछ भी मतलब मिसबिहेवियर नहीं हो रहा है यहाँ पर, और हम लोग अच्छी तरह से भक्ति भाव से हम लोग उनको विसर्जन में हम लोग पार्ट ले पाए। कैसा लग रहा है आप लोगों को माँ को विदा करते हुए? शानदार लग रहा है, बीजेपी में पहली अपनी जाजा में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। जो अश्लील गाना बजाते उसको क्या कहेंगे आप? क्या चाहिए? जो अश्लील गाना बजा कर खूब डांस करते हैं वैसे लोगों के साथ कहेंगे, समाज के साथ एक बार जरूर इस बार बीजेपी की तरह करे, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, आप तो जानते हैं कि पॉपुलेशन के मामले में भारत चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, तो अब हम लोग को नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी पैदा करने वाला चाहिए। तो और सनातन धर्म में ही ताकत है कि विश्व को भी पार भारतीय संस्कार को आप लोग प्रभावित कर रहे हैं, क्या कहेंगे?